हाय दोस्तों, आज मैं ब्रेड चमचम बना रही हूँ। इसके लिए मेरा ब्रेड कटा हुआ है, साइड का काट दी हूँ, 10 पीस है। और एक खोया है मेरा 50 से 60 ग्राम के लगभग, और इसमें किशमिश डाल दी हूँ। और इसमें डालूँगी थोड़ा नारियल कटा हुआ। और ये फ्रेश लेना है ब्रेड, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और मैदा का है, इसको इस तरह से गोली बना लेना है। और इधर मेरा कटोरी में बॉयल दूध रखा हुआ है, आधा कटोरी के लगभग। इस तरह से पेड़ा बना लूँगी। ये बहुत झटपट बनने वाला रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से मेरा पेड़ा बन के तैयार हो गया। अब इसमें दूध में डालना है ब्रेड को, और अच्छी तरह से दूध निचोड़ कर इसके अंदर फिलिंग को भर देना है, और चमचम का शेप दे देना है। इस तरह से एक चमचम बन के तैयार हो गया है, बहुत आसान है। इस तरह से मेरा सारा चमचम बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मीडियम आंच पे फ्राई करूंगी। दो से तीन मिनट लगता है इसको फ्राई होने में, बहुत जल्दी पक जाता है। मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है इधर चमचम। इस तरह से इसे निकाल लेती हूँ। बहुत झटपट बनता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। देखिए, दो मिनट के अंदर फ्राई हो जा रहा है। इस तरह से चमचम फ्राई होकर सारे तैयार हो गया है। अब बनाऊंगी चाशनी, जिसके लिए पैन चढ़ा दी हूँ। आधा कप 50 ग्राम के लगभग चीनी डाली हूँ, और आधा कप पानी, थोड़ा सा केसर के कलियाँ, इलायची। इसको दो तार का चाशनी बनाना है, जैसा जलेबी का बनता है। ये भी लगभग 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है चाशनी भी। कलर के जगह पर केसर डाली हूँ। इस तरह से चाशनी बनकर रेडी हो गया है। इसमें डालूंगी चमचम, और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका रस अंदर भर जाए। इस तरह से मेरा चमचम तैयार है। इस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।